हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बच्चों का फेवरेट चिकन नूडल्स रेसिपी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने फिंगर शेप में कट कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टी स्पून ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करेंगे और 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे। तो जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, इतने में नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। तो मैंने पैन के अंदर डाला है 2 लीटर पानी, 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून ऑयल डालकर इसके अंदर एक उबाल आ जाने देंगे। तो देखिए, पानी के अंदर उबाल आ गया है। तो अब इसके अंदर नूडल्स डालकर इसे 95% तक पकाकर स्टेन कर लेंगे और इसे ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालकर इसे कुछ मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए, अदरक लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चिकन को हाई हीट पर फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर अगर आपके पास ग्रीन अनियंस हैं तो उसके वाइट वाले हिस्से को स्लाइस करके डाल दें। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं एक छोटे प्याज को स्लाइस करके डाल रही हूँ। 15 सेकेंड फ्राई करने के बाद जूलियंस में कटा हुआ गाजर डाल दें और इसे 30 सेकेंड तक फ्राई कर लें। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब जूलियंस में कटा हुआ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालकर इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें। और अब बॉयल्ड नूडल्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब डालेंगे 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 2 to 3 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक टॉस कर लें। तो इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें और ऊपर से ग्रीन अनियंस स्प्रिंकल करें। ये इतना ज़बरदस्त टेस्टी बना है कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और आपके बच्चे 1 मिनट में चट कर जाएंगे। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।